मैं रूपांशी मिश्रा, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा भर्ती घोटाले के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने एक्सपर्ट कमेटी गठित की है और विधानसभा से 228 पद निरस्त कर दिए थे, जिसके बाद नौकरी से निकाले गए लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट जाने का फैसला किया। जब हाईकोर्ट के संज्ञान में यह मामला सामने आया तो कोर्ट ने इन सभी 228 पदों पर एक बार फिर से नियुक्ति देने का फैसला सुनाया, जिसके बाद से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सिंगल बेंच से हटकर इस मामले को डबल बेंच कोर्ट में ले जाने का फैसला किया, जहां अब विधानसभा अध्यक्ष के पहले फैसले को कोर्ट ने सही ठहराया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सिंगल बेंच से हटकर इस मामले को डबल बेंच कोर्ट में ले जाने का फैसला किया जहां अब विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को हाई कोर्ट ने सही ठहराया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी साफ तौर पर कहा कि तदर्थ नियुक्तियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि वह लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी करते हैं तो भी सरकार का यह फैसला अटल रहने वाला है। माननीय हाईकोर्ट ने हमारे जो स्टे था, जो मैंने डिटर्मिनेशन किया था, डिटर्मिनेशन हमने किया था उस पर जो स्टे लगा था, आज डबल बेंच पे हम लोग गए थे और डबल बेंच ने उस स्टे को वैकेट किया है। मैं मानती हूँ ये न्याय की जीत है। मेरा निर्णय विधानसभा के हित में था व सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए था। जैसे कि आपको याद है, मैंने कहा था कि मुझे कितने भी कठोर निर्णय युवाओं के हित में लेने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसी क्रम में हम माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में गए व आशा के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला लिया व सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया है। मेरा यह निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उस प्रक्रिया से है जो न्याय संगत नहीं है व संविधान विरुद्ध है, जिस प्रदेश के लाखों युवाओं की समानता के का अवसर नहीं मिल पाया। अभी माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर की प्रति नहीं मिली है, इसलिए अभी ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। वह मामला अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। मैं प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि विश्वास रखें, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। और फोन लाइन पर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ज्योत्सना इस समय हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, विधानसभा में 228 पदों को निरस्त करने का मामला सामने आया है, क्या कुछ अहम जानकारी है, ताजा अपडेट? देखिए रूपांशी, ये फैसला काफी पहले, लगभग 2 महीने पहले विधानसभा अध्यक्ष ने ले लिया था, क्योंकि भर्तियों को लेकर काफी बवाल हुआ। उसके बाद उन्होंने 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों की एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 2012 के बाद हुई तमाम भर्तियों को निरस्त किया था और उसके बाद जिन लोगों को पदों से हटाया गया था, बर्खास्त किया गया था, वो लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनके पक्ष में डिसीजन दिया। उसके बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से डबल बेंच में अपील की गई और डबल बेंच ने अब जो सिंगल बेंच का फैसला था, यानी उनकी बहाली का, उसे पूर्णतः रोक दिया है और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया है। इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। उन्होंने पहले भी इस बात को कहा था कि बैकडोर से जो यहाँ पर नियुक्तियां हुई हैं बगैर मानकों का ध्यान रखे हुए, बिना संविधान के जो नियम कायदे कानून है उनका ध्यान रखे हुए, तो ऐसे में उन्हीं नियुक्तियों को एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद निरस्त किया गया है। क्योंकि बहुत आरोप लगे थे कि मंत्रियों के करीबी, पूर्व में जो स्पीकर रहे हैं उन्होंने अपने परिजनों को, अपने करीबियों को यहाँ पर नौकरियों पर लगाया है और नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा है, तो ऐसे में ये नियुक्तियां निरस्त की गई हैं। अपने आप में विधानसभा अध्यक्ष के लिए बड़ी राहत की खबर है। हालांकि ये मामला कह सकते हैं कि अभी भी उलझा हुआ है, क्योंकि लगता है कि ये लोग आसानी से मानेंगे नहीं, क्योंकि जो लोग, आप सोचिए 2012 से यानी कि 10-10 साल जिन लोगों को नौकरी करते हुए हो गया, वो कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे और हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएं और विधानसभा अध्यक्ष ने बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ भी जाएंगे, बिल्कुल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएं और विधानसभा के फैसले को राहत, एक बड़ी खबर, मतलब है ये राहत की खबर है। कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को सही ठहराया है और वो कह रही है कि तदर्थ नियुक्तियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी ज्योत्सना,
बिल्कुल, देखिए सभी तदर्थ नियुक्तियां थी और तदर्थ के बाद परमानेंट की गई थी, और सबसे बड़ी बात की जो संविधान की धाराएं हैं उनका कहीं भी इसमें अनुपालन नहीं किया गया। यानी कि रूपांशी, आपने एप्लीकेशन दी और आपका अपॉइंटमेंट हो गया, ये नहीं देखा गया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस पद पर आपको अपॉइंट किया जा रहा है। मैंने एप्लीकेशन दी या मैं विधानसभा अध्यक्ष की अगर नजदीकी हूँ तो मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, या मैं किसी मंत्री की सिफारिशी हूँ, और कोई कायदे कानून नहीं देखे गए। खास तौर पर उमा देवी वर्सेज जो कर्नाटक सरकार का प्रकरण था, उसमें कुछ गाइडलाइन तय थी कि सरकारी सेवक, यानी सरकारी सेवक जिसको ट्रेजरी से अगर पैसा दिया जाता है, राजकोष से पैसा दिया जाता है, तो उसकी नियुक्ति के क्या आधार होंगे, उसका कहीं भी पालन नहीं किया गया। समानता का अधिकार संविधान देता है, उसका पालन नहीं किया गया। आरक्षण का कहीं पालन नहीं किया गया। तो इस तरीके से ये नियुक्ति नियम सम्मत नहीं है, और इसीलिए चैलेंज भी हुई। हालांकि फौरी राहत इन लोगों को जरूर मिली, लेकिन अब डबल बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष भी इस बात को जानती है कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम वहां भी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, यानी ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां पर भी लड़ाई लड़ेंगे। समानता का अधिकार कानून देता है, उसका भी पालन करना चाहिए। फिलहाल ये अहम जानकारी के लिए ज्योत्सना आपका शुक्रिया। आपसे और अपडेट हम लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। और आपको बता दें कि मूलभूत सुविधाओं के पूरा होने की बात जो रहे हैं ग्रामीणों ने समस्याओं को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात की। दरअसल पिछले 15 दिनों से हल्द्वानी काठ गोदाम हेड़ा खान सड़क मार्ग बाधित है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का घेराव किया। केंद्रीय मंत्री उस समय भूस्खलन से प्रभावित काठ गोदाम हेड़ा खान मार्ग का निरीक्षण करने जा रहे थे। काठ गोदाम थाने के पास ग्रामीणों ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का घेराव कर बंद पड़ी सड़क को जल्द से जल्द खोलने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि करीब 120 गांवों में खाद्यान्न, राशन, गैस और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं चरमरा गई हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के समझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए, और साथ ही भूस्खलन प्रभावित इलाकों का भी केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने दौरा किया और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को सड़क मार्ग जल्द से जल्द शुरू करने और वैकल्पिक मार्ग के लिए निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मार्ग को खोला जाए और ग्रामीणों को सहूलियत के लिए वैकल्पिक मार्ग को तलाश किया जाए। टमाटर भेज दिए, यहाँ ट्रॉफी को उजाले से रास्ते में गुंडू ने दौड़ा भी छीन लिया, प्लेट भी छीन ली, बच्चों को बाहर पीट कर घर भेजा। वो दवा कहाँ से लाता है? 15 दिन हो गए सड़क टूटी। कितने गांव है? 120 गांव है। तो क्या कहा मंत्री जी ने? मंत्री जी ने कहा यहाँ देर से ही कहा, नीचे दबाजी को रोड से कह रहे हैं, दबाजी रोड से हमको लेने दे रहे हैं, कोई हम वहाँ से जाएंगे, इतनी परेशानी हमको घर को एक जंगल से खाए ला रहे हैं, एक भेज बाधा है, दो रोजगार के लिए एक भैंस दूध डेयरी भी बंद है एक महीने से। इसको जल्दी से जल्दी कैसे खोला जाए, इसके लिए मैंने सारे अधिकारी भी बुलाए हैं, और ये तो बन नहीं सकती है। वैकल्पिक मार्ग पीछे की तरफ से 2.5-3 किलोमीटर उधर कनेक्ट करने पर काम चल सकता है। लगभग 120 गांव प्रभावित हैं, वहां पर राशन, दवा, गैस और बच्चों का स्कूल आना जाना, कई चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। मैंने जो PWD के सेक्रेटरी और हमारे फॉरेस्ट के सेक्रेटरी हैं उनसे अभी बात करी है, सुधांशु जी, और जो हमारे DGBR के डायरेक्टर जनरल होते हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, वो उसके DG होते हैं, उनसे बात करी है। उन्होंने भी कहा है कि हम बाहर से अपने चीफ इंजीनियर को कह के यहाँ के इंजीनियर्स के साथ उनका वार्ता कराते हैं, और जल्दी से जल्दी भूगर्भ शास्त्रियों ने जो रिपोर्ट दी है कि इस पर हाथ न लगाएं, उनकी रिपोर्ट को मानते हुए पीछे के साइड से वैकल्पिक मार्ग फिलहाल खुल जाए, चाहे 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, 3 दिन लगे, ये कोशिश हम कर रहे हैं। सड़क मार्ग बाधित होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश, और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में ज्योत्सना बनी हुई है। ज्योत्सना, ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है सड़क मार्ग बाधित होने से, केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ आश्वासन दिया है, क्या कुछ अहम अपडेट है, ताजा अपडेट?
तो सड़क मार्ग बाधित होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मंत्री ने निर्देश दिए हैं, यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क मार्ग बाधित होने से काफी आक्रोश देखा जा रहा है ग्रामीणों में, जिसको लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है ग्रामीणों को। हल्द्वानी काठ गोदाम हेड़ा खान सड़क मार्ग पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मार्ग को जल्द खोलने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है 120 गांवों में खाद्यान्न राशन गैस को लेकर आरोप लगाया है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मंत्री ने निर्देश दिए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफी आक्रोश देखा जा रहा है ग्रामीणों में। हल्द्वानी काट गोदाम हेड़ा खान सड़क मार्ग बाधित है, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने का घेराव किया है ग्रामीणों ने, और जिस बात को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, हालांकि उन्हें आश्वासन दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ में ज्योत्सना जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, सड़क मार्ग बाधित होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है ग्रामीणों को, यातायात सुचारू करने के भी आदेश दिए गए हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट है? पिछले 15 दिनों से बंद पड़ा है मार्ग, हल्द्वानी काट गोदाम सड़क मार्ग बाधित है, जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बंद मार्ग को जल्द ही खोलने की बात कही जा रही है। मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और 120 गांवों में खाद्यान्न राशन की कमी है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मंत्री ने आदेश दिए हैं, यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क मार्ग बाधित होने को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और अगली खबर हल्द्वानी से, आपको बता दें कि हल्द्वानी में बीजेपी संगठन के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री द्वारा जिलों के प्रवास कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा मंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों से संवाद किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और सीएम धामी द्वारा सभी मंत्रियों को 6 कार्यक्रम किए गए हैं। लगातार पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा की जा रही बयानबाजी पर धन सिंह रावत ने कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सबसे ज्यादा गुटबाजी अगर कहीं है तो वह विपक्षी पार्टी कांग्रेस में है। उन्होंने कहा कि वहां तो यह हालात हैं कि विधायकों के धरने पर ही प्रदेश अध्यक्ष नहीं जाते हैं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों के निर्देश दिए गए हैं कि वो हर जिलों में जाके जनता के साथ संवाद करें, पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक करें, बूथ अध्यक्ष जी के साथ उनके घर पे जाना है, पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करनी है और एक जिले के अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करनी है। तो ये जो 6 प्रोग्राम हैं वो सभी मंत्री अपने अपने प्रभारी जिलों में कर रहे हैं और पार्टी संगठन के आदेश पे हम सभी लोग आजकल हर जिलों में भ्रमण। और हल्द्वानी से हर्ष रावत इस खबर पर अधिक अहम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हर्ष, क्या कुछ इस खबर पर अधिक जानकारी है? बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक की गई है और इस बैठक में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं? जिलों में प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जनता के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हल्द्वानी से हर्ष रावत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हर्ष, बीजेपी की पदाधिकारियों की बैठक की गई है और इस बैठक में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं, क्या कुछ अहम जानकारी है? हल्द्वानी में शिक्षा मंत्री ने किया संवाद, आपको बता दें कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने की है मुलाकात, बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक की गई है जिसमें जिलों में प्रवास कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया और बीजेपी की बैठक की गई, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इस बैठक में शरीक हुए हैं।
और इस खबर पर हल्द्वानी से अजीत रावत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अहम जानकारी इस खबर पर? बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक की गई है, बैठक में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं आज? जिलों में आज प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बीजेपी की बैठक की गई है, इस बैठक में हर्ष क्या कुछ बातें आज सामने निकल कर आई हैं? मंडल अध्यक्षों से भी मुलाकात की गई है। मीडिया से मुखाबित होते हुए धन सिंह रावत, आज सभी मंत्रियों को 6 कार्यक्रम भी दिए गए हैं, तो क्या कुछ अहम जानकारी है हर्ष? अजीत, क्या आप तक हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हल्द्वानी में आज मंडल अध्यक्षों से भी मुलाकात की गई है। मीडिया से मुखाबित होते हुए आपको बता दें कि सभी मंत्रियों को 6 कार्यक्रम दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्रियों द्वारा जिलों के प्रवास कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा मंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने आज पार्टी पदाधिकारियों और मंडल अध्यक्षों से आज संवाद किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और सीएम धामी द्वारा सभी मंत्रियों को 6 कार्यक्रम दिए गए। लगातार पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा की जा रही है बैठक। और हल्द्वानी से इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हर्ष रावत जुड़े हुए हैं। हर्ष, क्या कुछ अहम जानकारी है इस खबर पर? आज सभी मंत्रियों को 6 कार्यक्रम दिए गए हैं, बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई है, और इस बैठक में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आईं? देखिए, अगर बात की जाए तो भाजपा संगठन और प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से सभी कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रवास करेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों मंडल अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। जिसी के तहत आज कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों मंडल अध्यक्षों जिलाध्यक्षों समेत पार्टी के विधायकों से बातचीत की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं, लगातार पार्टी के नेताओं पदाधिकारियों के माध्यम से जनता तक उनकी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्रियों की गुटबाजी की बात आ रही है, वह पूरी तरीके से उन्होंने इसको नकारा है। उनका कहना है कि गुटबाजी अगर है तो कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिन पहले सचिवालय ने कुछ किया था कांग्रेस के विधायकों ने, उनके विधायकों के सचिवालय कूच के दौरान उनके प्रदेश अध्यक्ष खुद नदारद रहे, ऐसे में उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, संगठन अच्छा काम कर रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है, जिसके तहत वह लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रवास कर रहे हैं और समस्याओं को सुनने का काम किया जा रहा है। यानी गुटबाजी को लेकर जो बयानबाजी सामने आ रही थी, उसको लेकर कहा कि भाजपा के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। और क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई बैठक में, क्या कुछ बातें हुई हैं विकास कार्यों को लेकर, किस तरीके से क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, अगर बात की जाए तो बैठक में मंडल के अध्यक्ष थे, विधायक थे, उनको कहा गया है कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाना है, उसमें कैसे काम किया जा सकता है, किस तरीके से लोगों को उनकी योजनाओं के बारे में पता चल सके, उसके बारे में अधिक जानकारी देनी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य प्रगति की ओर बढ़ रहा है और 2025 तक जो उत्तराखंड को एक मजबूत राज्य की ओर देखना चाहते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। और हाल ही में जो मसूरी में चिंतन शिविर हुआ था, उसके बारे में पार्टी के पदाधिकारियों को बताया गया कि ताकि वो लोगों तक पहुंचे और चिंतन शिविर के बारे में बता सके कि सरकार विकास को लेकर कितनी गहराई से सोच रही है और कितना संजीदा है राज्य के डेवलपमेंट को लेकर। यानी विकास कार्यों को लेकर सरकार कितना बेहतर सोच रही है, इस बात को लेकर आज वहां पर चर्चा हुई है। राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक किस तरह पहुंचाया जाए, इस बात को लेकर पार्टी पदाधिकारियों मंडल अध्यक्षों से भी भेंट हुई, और क्या कुछ अहम जानकारी है हर्ष? जी देखिए, अगर बात की जाए तो पार्टी के पदाधिकारियों और जो मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है, क्योंकि हाल ही में सभी जिले में जिला अध्यक्षों के साथ ही पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के नामों का ऐलान हुआ था, कार्यकारिणी बनी थी, अब जिले में कार्यकारिणी बनी है। ऐसे में प्रदेश और जिले के अंदर जो कार्यकारिणियां हैं, जो बूथ के जो अध्यक्ष हैं, या जो मंडल के अध्यक्ष हैं, या जो जिले के अध्यक्ष हैं, उनके बीच समन्वय बने रहे, सरकार और संगठन के बीच समन्वय बना रहे, इसको लेकर भी बैठक में काफी सारी चर्चाएं हुई है। यानी इस बैठक में काफी अहम मुद्दों को लेकर आज चर्चाएं हुई हैं। फिलहाल हर्ष, ये अहम जानकारी सारा समय के दर्शकों को बताने के लिए, हम तक साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो जिलों का प्रवास कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। आज आपको बता दें कि हल्द्वानी में बीजेपी की बैठक थी, बैठक में तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे और किस तरीके से राज्य में बेहतर कार्य दिया जाए, इस पर लेकर आज चर्चा हुई है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
उग्रवादी है वही मानवतावादी है। आपको लगता है पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया प्रदेश के खिलाफ उसका मैसेज पूरे प्रदेश में इसका मैसेज कि बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना। यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ सिर्फ संवाद। उत्तराखंड बनने में आपकी एक प्रमुख भूमिका रही है, ये शुरुआत कहाँ से हुई आपके राजनीतिक जीवन में? 1957 से मेरा एक प्रकार के राजनीतिक जीवन उस हाई स्कूल इंटर में जब पढ़ता था तब शुरू हो गया था। मूल मान्यताओं में कमी आई? देखिए मूल्यों का क्षरण हुआ है। 3 तलाक का मुद्दा काफी चर्चित रहा है। जो सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संवाद है तो समाधान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी मेहनत कर रही है तो क्या माने कि ये मेहनत अपना दल के लिए कर रही है या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही है? मेरा जो परिश्रम है या मेरे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है वो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो सपना देखा था भारत का, क्या आपको लगता है कहीं साकार हो रहा है? माननीय अमित शाह जी के आने के बाद हिंदुस्तान का परिदृश्य बदल गया है। आपको लगता है कि इस तरह राजनीति में जो साधु संतों का आगमन ज्यादा हो रहा है तो उचित है? मैं इसको प्रारब्ध नहीं मानती हूँ। जो प्रारब्ध में होगा चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो उसको वो काम करना पड़ेगा। तो मोरे जी हम माने कि उत्तर प्रदेश में जो सपना था उत्तम प्रदेश बनने का वो पूरा हुआ? अर्थव्यवस्था हो चाहे निवेश हो चाहे सुशासन हो चाहे गुंडे अपराधियों के खिलाफ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत जारी है संवाद। ओलंपिक से पहले आपकी सर्जरी भी हुई थी जी। उसके बाद भी आपने ओलंपिक खेला। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रियल अर्थों में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है, आप कितना सहमत हैं? आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। आपका एक खास संदेश है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ संवाद सिर्फ सारा समय न्यूज नेटवर्क पर।